हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लेके आए हैं हाइड्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर सेकंड, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं प्रेशर इन फ्लूइड, वाटर के अंदर प्रेशर और गैस के अंदर प्रेशर। तो हमने सेकंड क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन सॉल्व करना रह गया था, तो आज वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या है, अ वेसल ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया कंटेन वाटर्स, द मास ऑफ वाटर इज 2 kg, प्रेशर एट द बॉटम सरफेस। एक कंटेनर है, उसके अंदर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक क्रॉस सेक्शन बनता है और उसके अंदर जो वाटर है वो 2 kg का है, लीटर में रहता है पर यहाँ पर kg है। प्रेशर एट द बॉटम, वहां पर बॉटम में कितना प्रेशर है वो हमको फाइंड करना है। तो इसके लिए पहले हमको वेसल का साइज कितना है, मीन्स वाटर कितना है, मास मास ऑफ वाटर कितना है, 2 kg, 2 kg उसका मास है। उसके बाद वेट, वेट इज इक्वल मास, मास और वेट में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, वो अलग अलग इसमें वेरीज करते हैं। मास कितना है इसका, 2 kg इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स। वेट किस पे डिपेंड होता है, वेट एक फोर्स जो ग्रेविटी उस पर एक्ट करती है नीचे की तरफ, और जो फोर्स नीचे की तरफ लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स उसे वेट। सो 9.8 शायद मीटर पर सेकंड, हाँ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मैं स्क्वायर, हाँ तो ये उसका फोर्स है, ये उसका फोर्स। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.6 मीटर नहीं आएगा, 19.6 न्यूटन आएगा यहां पर, 19.6 न्यूटन। तो हमें फोर्स पता चल गया, हमें फोर्स पता चल गया। ये जो एरिया है वेसल का, कंटेनर का एरिया है, तो एरिया कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फिर क्या है, प्रेशर एट द बॉटम सरफेस। तो प्रेशर डिफाइन करने के लिए क्या है, थ्रस्ट अपॉन एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, टी अपॉन ए, वेयर प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट कितना है, 19.6 एंड न्यूटन, उसके नीचे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं शायद, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बुक में जैसे दिया है वैसे लिखेंगे। सो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 1 × 10⁻², 1 × 10⁻²। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तब ये इजी जाएगा, मीटर स्क्वायर। सो इसका आंसर क्या आएगा, 1960 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, जो कि इज इक्वल होता है 1960 पास्कल। सो जो बॉटम पे जो प्रेशर लग रहा है वो है 1960 पास्कल। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा। अभी हमारा टॉपिक है फ्लूइड प्रेशर, हमने कल थोड़ा फ्लूइड प्रेशर देखा था, पर आज फिर से स्टार्ट करेंगे फ्लूइड प्रेशर पूरा।
फ्लूइड प्रेशर, तो फ्लूइड प्रेशर के अंदर हमें देखना है कि फ्लूइड में प्रेशर एक्ट कैसे होता है। सो फ्लूइड प्रेशर कल क्या एग्जाम्पल है, तो फ्लूइड के अंदर प्रेशर। सो एक कंटेनर है, एक ऐसा कोई कंटेनर है जिसके अंदर वाटर फिल्ड है, जनरली फ्लूइड रहता है और उसको ज्यादातर वाटर कंसिडर करते हैं क्योंकि वाटर इजिली अवेलेबल है। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया, तो उसके अंदर यहाँ तक इस सर्फेस तक वाटर फिल है। तो फिर क्या गया कि यहाँ पर एक बीच में और एक अपर साइड में तीन होल्स किए गए इस कंटेनर के अंदर। फिर क्या हुआ एक उस एक्सपेरिमेंट में कि यहां से वाटर यहां पर गिरा, थोड़ा पास हो गया, बहुत टॉपिक है। तो ये जो है ये इतना दूर तक गिरा, यहां पर गिरा, और फिर ये जो वाटर है यहां से यहां पर, और फिर ये थर्ड वाटर है वो यहां पर। मतलब तीनों के जो वाटर डिस्टेंस से कितने कितने दूर पर गिरना था वो तीनों अलग अलग है। जो नीचे का है वो बहुत दूर तक जाकर उसका पानी गिर रहा है, और जो सेकंड पे है उसका थोड़े पास, और जो ऊपर है वो बहुत पास। ये एक्सपेरिमेंट किया गया वाटर का प्रेशर डिफाइन करने के लिए। तो इस एक्सपेरिमेंट में दिखा गया कि ये नीचे का बहुत दूर पानी जा रहा है, फिर मिडल का कुछ हद तक दूर, और फिर उसके बाद जो सबसे टॉप पर है तो उसका कम। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो है प्रेशर, यहाँ पर फोर्स ज्यादा लग रहा है। फोर्स ज्यादा होने की वजह से ये जो वाटर है वो दूर जा रहा है, यहाँ पर कम, यहाँ पर उससे कम। ये फोर्स पे है, फोर्स प्रेशर पे है पूरा डिफाइन। तो फिर साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो प्रेशर है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, हाइट के। जब हाइट बढ़ेगी किसी लिक्विड किसी फ्लूइड का तब उसका प्रेशर भी बढ़ेगा, और जब हाइट कम होगी तब प्रेशर भी घटेगा। तो इसके अंदर हमने देखा कि जब हाइट बढ़ी, सपोज अगर इस कंटेनर की हाइट और बढ़ी, ये वाटर यहां तक हुआ, तो यही ये जो वाटर है ये थोड़ा और दूर गिरेगा। मतलब ये हाइट पे वेरीज करता है। और कैसे कैसे ये प्रेशर गिरता है नीचे, सपोज अगर कोई ये जो पार्टिकल्स है वाटर के, तो ये ऊपर वाला पार्टिकल नीचे वाले पार्टिकल पे उसका वेट, इसका मास डालेगा नीचे। हम एक एग्जांपल से समझेंगे। अगर ये एक सरफेस है, यहाँ पर एक सरफेस है, यहाँ पर एक बॉक्स है, इसका वेट है 1 न्यूटन, तो इस सरफेस पर कितना वेट आ रहा है, सरफेस पर कितना वेट है, सरफेस पर 1 न्यूटन है क्योंकि सरफेस के ऊपर वो बॉक्स रखा है। फिर उसके ऊपर और एक बॉक्स रखा है, उसका वेट है 1 न्यूटन, उसके ऊपर और एक 1 न्यूटन, उसके ऊपर न्यूटन। तो यहां पर कितना वेट यहाँ होगा, कितना मास होगा, मतलब वेट कितना होगा न्यूटन पर, ये जो फर्स्ट बॉक्स है उस पर कितना वेट है, तो उस पर 0 है क्योंकि उसके ऊपर कोई है ही नहीं। सेकंड पे कितना है, 1, क्योंकि इसके ऊपर एक बॉक्स है जिसका वजन, जिसका वेट 1 न्यूटन है। उसके नीचे वाला इस पे कितने है, इसके ऊपर 2 बॉक्स है मतलब 2 न्यूटन। इस पे कितना फोर्स है, ये 3 न्यूटन का। सरफेस पे कितना है, 1, 2, 3, 4 न्यूटन का फोर्स, यहाँ पर 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है नीचे, 4 न्यूटन का। वैसे ही जब ये लिक्विड है तो लिक्विड के H2O जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, तो वो एक दूसरे के ऊपर एक वेट डालते हैं, उन वेट की वजह से एक प्रेशर क्रिएट होता है नीचे की तरफ, एक फोर्स क्रिएट होता है। जितना नीचे जाएंगे उतना उसका फोर्स, उसका वेट, उसकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी। जो सबसे डेंस जगह है वाटर में, वो मतलब किसी फ्लूइड में किसी लिक्विड में, तो उसका जो सरफेस रहता है उसके ऊपर उसकी सबसे ज्यादा डेंसिटी रहती है। क्लियर, आई होप आपको समझा हो। तो अभी इसके बाद बायोट फोर्स, बायोट फोर्स
अभी आया है चैप्टर बायंट पोस। अब थर्ड बायंट पोस, बायंट पोस, बायंट पोस, बायंट फोर्स और अपथ्रस्ट एक ही होती है। अपथ्रस्ट को बायंट फोर्स कहा जाता है और बायंट फोर्स को अपथ्रस्ट कहा जाता है। तो बायंट फोर्स है क्या? बायंट फोर्स एक फोर्स जो फ्लूइड के अंदर देखा जाता है, फ्लूइड के अंदर देखा जाता है। तो अगर एक कंटेनर है, फिर से उसमें वाटर ही भरा है, तो उसके अंदर एक बॉल है, सपोज फुटबॉल है उसके अंदर, ऐसा कोई बॉल है, तो वो आधा मर्ज इन वॉटर है, वो आधा डूबा हुआ है, तो वो तैर क्यों रहा है? कभी कभी फुटबॉल अगर किसी कंटेनर में गिर जाते तो तैरता है वो ऊपर, पर क्यों क्यों तैरता है वो? Why? Why it will happen? क्योंकि एक अपवर्ड फोर्स किसी भी चीज को तैरने के लिए, चलने के लिए, रुकने के लिए, हर चीज करने के लिए कोई फोर्स लगता है। तो ये चीज ऊपर तैर रही है, इसका मतलब नीचे से कोई फोर्स तो होगा जो ग्रेविटेशन फोर्स के अपोजिट होगा, इसीलिए वो ऊपर की तरफ तैर रही है। तो इसको जब एक्सपेरिमेंट में किया गया तब एक नतीजा निकला कि जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है फ्लूइड से, फ्लूइड को ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो इसे बायंट फोर्स कहा जाता है। बायंट फोर्स एक फोर्स है जो फ्लूइड, लिक्विड, गैसेस ऊपर की तरफ लगा है। ये जो क्या है इसका नाम फुटबॉल, ये फुटबॉल जो है इस पर ये लिक्विड कुछ एक फोर्स लगा रहा है अपवर्ड, ये अपवर्ड फोर्स के कारण वो ऊपर जा रहा है। ये जो फोर्स होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा होगा, इसलिए ये ऊपर तैर रहा है, वरना इक्वल हो सकता है, इक्वल होगा ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा है इक्वल, तभी ये एक जगह पर रुकेगा वरना तैरेगा। तो इस पर एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है जिसे कहा जाता है बायंट फोर्स, जिसे बायंट फोर्स कहा जाता है। वैसे ही सिर्फ इस पे ही नहीं, जो गैसेस होते हैं गैसेस के अंदर भी बायंट फोर्स एक्ट करता है। बायंट फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है एक, क्योंकि जो भी शिप्स सी ओशियंस उसके अंदर फ्लोट होती है किसके कारण? बायंट फोर्स के कारण। बायंट फोर्स हम और डिटेल में पढ़ेंगे फोर्थ लेक्चर में शायद, उसके अंदर हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं, तो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल बायंट फोर्स पे डिफाइन है। सो आज इतना ही, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे इसकी। सो अगर आपको ये अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।